फ्रेंड्स, यदि आप परेशान हैं प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को लेकर, प्लांट में ग्रोथ रुक गई है या फिर प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, और यदि फूल आ रहे हैं तो आकर फिर से दोबारा फूल नहीं आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि प्लांट में इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है और प्लांट में फूल लाने में और उसकी ग्रोथ लाने में बहुत मदद करता है। अक्सर कई लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है, प्लांट में एक बार तो अच्छे फूल खिल जाते हैं लेकिन दोबारा फिर उनमें फूल आना बंद हो जाते हैं। कारण रहता है पोषक तत्वों की कमी। इसके साथ ही दूसरा जो रीज़न रहता है वो प्लांट की नई ग्रोथ ना आना होता है, क्योंकि प्लांट में जब तक नई ग्रोथ नहीं होगी उसमें नई कलियां और फिर से फूल आना मुश्किल हो जाता है। तो ग्रोथ के लिए हमें प्लांट के लिए समय समय पर फर्टिलाइज़र देने होते हैं। इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है जिससे कि प्लांट में नई ग्रोथ होती रहे। सबसे पहली और ज़रूरी बात है वो है, प्लांट में जितने भी फूल आकर सूख जाते हैं उनको आपको कट करते रहना है। ये फूल आप यदि कट नहीं करेंगे तो नई ग्रोथ नहीं होगी और नए फूल नहीं आएंगे। यदि टहनियाँ ख़राब हैं प्लांट की तो आप उनको भी हटाते रहें, समय समय पर इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जो दूसरी ज़रूरी बात है वो है, प्लांट की जड़ों के मजबूत विकास से संबंधित। यदि प्लांट की जड़ों का मजबूत विकास नहीं होगा तो प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो जड़ों के विकास के लिए सबसे पहली ज़रूरत है मिट्टी की आपको गुड़ाई करना। मिट्टी की महीने में एक बार अवश्य गुड़ाई करें जिससे प्लांट की जड़ों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके और प्लांट का विकास हो सके। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट अटैक तो नहीं है। यदि प्लांट में एफिड्स, काले कीड़े या फिर इंसेक्ट लग जाते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है तो प्लांट आपका हमेशा फूल देता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। ये दो चीज़ों से मिलाकर मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है। दोनों ही चीज़ें प्लांट को ज़रूरी पोषक तत्व तो देंगी और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ बनाएगा। इस फर्टिलाइज़र से पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा, और यदि किसी प्लांट को आपको अच्छी ग्रोथ लेनी है या उसमें अच्छे फल फूल पाने हैं तो उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जब हम छोटे पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उसमें लिमिटेड सॉइल होती है, और यदि सॉइल उपजाऊ नहीं होगी तो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें इसी तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए जिससे कि सॉइल उपजाऊ हो। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जिन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएंगी, प्लांट में पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा है ये बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है फर्टिलाइज़र। प्लांट में बहुत जल्दी इसके फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती को हम चाय बनाने के बाद यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको यदि धोकर सुखा लेते हैं तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस फर्टिलाइज़र का आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डालूंगी। चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही यह सॉइल के पीएच को बैलेंस करती है, सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देती है जिससे कि प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। इसमें मैं जो दूसरी चीज़ डालूंगी वो प्लांट के लिए फॉस्फोरस से भरपूर है, और फॉस्फोरस प्लांट की मजबूती में और फल फूल लाने में बहुत हेल्पफुल होता है, जड़ों का विकास करता है। तो ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है और अच्छी मात्रा में इसमें फॉस्फोरस होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट में यूज़ करते समय आपको सावधानी यह रखनी है कि इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करेंगे तो प्लांट को नुकसान होगा, और इसको महीने में एक बार ही आपको इस्तेमाल करना है। यदि मैं मात्रा की बात करूँ तो आप इसको जितना पॉट है उसकी साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। यदि आप 12 इंच के गमले में डाल रहे हैं तो इसमें 12 दाने या 10 दाने, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं। तो मैं ये 10 दाने डालती हूँ इसमें। इन दोनों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये DAP के दाने अक्सर नर्सरी में भी यूज़ किए जाते हैं और तुरंत प्लांट पर अपना असर दिखाते हैं। ऐसे तो हम प्लांट में डायरेक्ट सॉइल में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल बनता है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन बाद हम इसका प्लांट पर यूज़ करेंगे। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा।
अच्छी तरह से इसमें चाय पत्ती गल गई है, साथ ही जो हमने डीएपी के दाने डाले थे वह भी गल चुके हैं। इसको हम छान लेते हैं। तो इसको छानने के बाद हमें कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा और इसको हमें हमारे प्लांट में यूज़ करना है। इसमें मैं किसी तरह का और पानी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही 1 लीटर के हिसाब से इसको तैयार किया है। यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से इसको डाइल्यूट करके प्लांट में डालें। तो प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप यूज़ करें। थैंक यू।